अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि ये जो एक एक छोटा सा केस है, मुशर्रफ साहब के हवाले से ज़रा पूछना चाहता हूँ सर, मैं वजारत कानून में आप हैं कि मैं एक तालिब इल्म हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर कोई, जो कि रूल्स पढ़ रहा हूँ, मेरे पास आईन है सर, कि कोई एडवाइस अगर प्राइम मिनिस्टर देता है और प्रेसिडेंट को, और उसके ऊपर प्रेसिडेंट जो है वो ये कोई प्राइम मिनिस्टर अगर कोई एडवाइस करे आर्टिकल 6 की, आई एम सॉरी सर मैं जो कहने चाह रहा हूँ, और कैबिनेट उसकी अप्रूवल ना दे, तो वो हाई ट्रीजन केस की क्या इम्पोर्टेंस होगी सर, उसमें केस बनता या नहीं बनता? और एक और चीज़ सर, कि जो मेरी मालूमात है कि मुशर्रफ साहब को PCO जज के हवाले से जो हाई ट्रीजन केस बना था उनका, PCO जज और 30 जज को उन्होंने निकाला था, उसके ऊपर शायद हाई ट्रीजन का केस उनके ऊपर बना था, तो अगर उनके ऊपर ये केस बनता है तो, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से उन्होंने उसको रेफर नहीं किया था, वहाँ से कोई एडवाइस नहीं ली थी या वहाँ से कोई फैसला नहीं लिया था, बिल्कुल सेम केस मैं चौधरी इफ्तखार की तरफ देखता हूँ सर, कि उन्होंने 100 जज निकाल दिए और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से कोई रेफर ही नहीं किया, कोई वो नहीं किया, तो एक के ऊपर हाई ट्रीजन दूसरे के ऊपर हाई ट्रीजन नहीं। अच्छा, मैं दानिश साहब से पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि मुशर्रफ साहब का, क्योंकि मैं वकील रहा हूँ, मैं उनकी सिर्फ सर लीगल पोजीशन मांगूं, मैं एक मैं क्लैरिफाई कर दूँ, तो मैं पहले ये कह चुका हूँ कि मुझसे अगर मुशर्रफ साहब का कोई सवाल ना किया जाए तो बेहतर होगा। अगर आप जनरल प्लान पे बात कर रहे हैं, मुशर्रफ साहब को हटा दें, बिल्कुल हटा दें, तो आर्टिकल 6 का केस बनाने के लिए आईन आपके सामने है, यस सर, तो फेडरल गवर्नमेंट ने अगर केस बनाना है, फेडरल गवर्नमेंट ने सर, तो फिर जब तक फेडरल कैबिनेट उसकी इजाजत नहीं देती तो फिर केस नहीं बनता। क्लियर है सर? आई एम क्लियर। जनरल सर बात, और मुशर्रफ साहब की बात नहीं कर रहा, नहीं सर मुशर्रफ, जनरली आर्टिकल 6 की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई ऐसा केस, हाँ जी, जिसमें कैबिनेट से अप्रूवल नहीं ली गई है और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने उसको एडवाइस की हो, वो केस नहीं बनता? नहीं बनता। मतलब मैं अगेन क्लैरिफाई करूं, मैं मुशर्रफ साहब की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं एक जनरली आर्टिकल 6 का इंटरप्रिटेशन आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि जो मुस्तफ़ा इम्पैक्स है उसने क्लैरिफाई कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मुस्तफ़ा इम्पैक्स उसने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि जहां जहां भी अल्फाज फेडरल गवर्नमेंट है उसका मतलब फेडरल कैबिनेट है, और फेडरल, क्योंकि मुस्तफ़ा इम्पैक्स में भी यही हुआ था ना कि बहुत सारे SROs थे जो कि पास कर दिए थे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एडवाइस पे, या फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी एडवाइस पे, उसको सारे को कलदम कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये कह के फेडरल गवर्नमेंट मींस फेडरल कैबिनेट, ठीक है सर, तो ये चाहे आर्टिकल 6 हो, कोई SRO हो, कोई प्रोविजन हो कॉन्स्टिट्यूशन का, लॉ का, जहाँ जहाँ लफ्ज़ फेडरल गवर्नमेंट है तो दैट मींस फेडरल कैबिनेट, ठीक है सर। अब ये है कि 18वीं तरमीम में तो इन्होंने वज़ीर आज़म और कैबिनेट या करके कर दिया है, लेकिन पहले उस ज़माने में नहीं, अभी भी यही है, अभी भी यही है सर। अभी भी कानून यही है। देखिए, ये रोज़ाना जो कैबिनेट के पास जो इतना एजेंडा आता है वो इसीलिए आता है कि जगह जगह कवानीन में लफ्ज़ फेडरल गवर्नमेंट लिखा है, तो जहाँ जहाँ फेडरल गवर्नमेंट लिखा है तो वो कैबिनेट।